खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है। हजरत खलीफतुल मसीह द फिफ्थ, मे अल्लाह बी हिज हेल्पर, continued with his series on the companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in today's Friday sermon. Huzoor narrated from the writings of Hazrat Muslim Aud radhiyallahu anhu how Hazrat Umar radhiyallahu anhu had the desire to be martyred in the way of Allah. Hazrat Muslim Aud radhiyallahu anhu ayat ki wala yubadilannahum min ba'de khawfihim amna ये तफसीर करते हुए फरमाते हैं खुलफा पर कोई ऐसी मुसीबत नहीं आई जिसे उन्होंने खौफ खाया हो, और अगर आई तो अल्लाह ताला ने उसे अमन से बदल दिया। इसमें कोई शुबा नहीं कि हज़रत उमर शहीद हो गए, मगर जब वाकयात को देखा जाता है तो मालूम होता है कि हज़रत उमर को इस शहादत से कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो मुतवातर दुआएँ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत नसीब कर और शहीद भी मुझे मदीने में कर। बस वो शख्स जिसने अपनी सारी उम्र ये दुआएं करते हुए गुजार दी हो कि या अल्लाह मुझे मदीने में शहादत दे, वो अगर शहीद हो जाए तो हम ये किस तरह कह सकते हैं कि उस पर एक खौफनाक वक्त आया मगर वो खुदा ताला की तरफ से अमन से ना बदला गया। बेशक अगर हज़रत उमर शहादत से डरते और फिर वो शहीद हो जाते तो कहा जा सकता था कि उनके कोई खौफ को खुदा ने अमन से ना बदला, मगर वो तो दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह मुझे मदीने में शहादत दे। बस उनकी शहादत से ये क्यों कर साबित हो गया कि वो शहादत से डरते ही थे, और जो वो शहादत से नहीं डरते थे बल्कि उसके लिए दुआएं करते थे जिनको खुदा ताला ने कबूल फरमा लिया, तो मालूम हुआ कि उस इस आयत के मातहत उन पर कोई ऐसा खौफ नहीं आया जो उनके दिल ने महसूस किया हो। और इस आयत में जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ यही जिक्र है कि खुलफा जिस बात से डरते होंगे वो कभी वकूफ पजीर नहीं हो सकती, और अल्लाह ताला का वादा है कि वो उनके खौफ को अमन से बदल देगा। मगर जब वो एक बात से डरते ही ना हों बल्कि अपनी इज्जत और बुलंदी दर्जात का मुझे समझते हों, तो उसे खौफ कहना और फिर ये कहना कि उसे अमन से क्यों ना बदल दिया गया बेईमानी बात है। ये नुक्ता भी समझने वाला है। मैं फरमाते हैं कि मैंने तो जब हज़रत उमर की इस दुआ को पढ़ा तो मैंने अपने दिल में कहा कि इसका बज़ाहिर ये मतलब था कि दुश्मन मदीने पर हमला करे और उसका हमला इतनी शिद्दत से हो कि तमाम मुसलमान तबाह हो जाएं, फिर वो खुली हो वक्त तक पहुँचे और उसे भी शहीद कर दे। मगर अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की दुआ भी कबूल कर ली और ऐसे सामान पैदा कर दिए जिनसे इस्लाम की इज्जत कायम रही। चुनाचे बजाय इसके कि मदीने पर कोई बैरूनी लश्कर हमलावर होता, अंदर से ही एक खबीस उठा और उसने खंजर से आपको शहीद कर दिया।